स्वागत है आपका हमारे खास शो पब्लिक सब जानते में। हरियाणा में मतदान होने में अब लगभग 72 घंटे का ही समय बाकी रह गया है, जिसके चलते तमाम राजनीतिक दलों के दिग्गज चुनाव प्रचार में अपना पसीना बहा रहे हैं। अब ऐसे में हिसार से सांसद दुष्यंत चौटाला ने भी अपनी नई नवेली पार्टी जेजेपी को मैदान जंग में आगे निकालने के लिए जी जान लगा रखी है। दुष्यंत चौटाला युवा सांसद के रूप में हरियाणा ही नहीं बल्कि देश की राजनीति में भी चमके हैं। वो मौका 2014 का था जब महज 26 साल का युवा देश की संसद में पहुंचा था। उस वक्त सभी ने अचरज किया था, लेकिन दुष्यंत चौटाला ने अपने कामों की बदौलत अब हरियाणा की राजनीति में अच्छी पैठ बनाई है। ये रिपोर्ट देखिए। राजनीति में उतरे दुष्यंत चौटाला आज के दिन किसी परिचय के मोहताज नहीं है। दुष्यंत एक युवा सांसद होने के साथ साथ युवाओं के आइकॉन के रूप में जाने जाते हैं। दुष्यंत चौटाला ने सन 2014 के लोकसभा चुनाव में कुलदीप बिश्नोई को पटखनी देकर सबसे युवा सांसद के रूप में संसद में एंट्री की थी। उसके बाद से दुष्यंत चौटाला की गाड़ी कहीं नहीं रुकी और वो जनता की आवाज को सदन में उठाते रहे। दुष्यंत चौटाला हिसार संसदीय सीट से चुनाव जीतकर संसद पहुंचे थे। चौटाला ने उसके बाद आम नेताओं की तरह घर में बैठकर सिर्फ राजनीति नहीं की बल्कि जनता के बीच जाकर जनसेवा को ही अपना रास्ता बना लिया। अब जब वो इनेलो से अलग हुए तो एक बड़ा धड़ा अपने साथ लेकर मजबूती के साथ जनता के बीच पहुंच गए। दुष्यंत चौटाला ने हिसार संसदीय सीट में अब से पहले के सांसदों के कोटे की राशि भी विकास कार्यों में खर्च करने का रिकॉर्ड बनाया है। दुष्यंत चौटाला को लेकर आम लोगों की भी सकारात्मक धारणा रही है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक। तो देखा आपने कैसे युवा सांसद के रूप में दुष्यंत चौटाला को जनता पसंद करने लगी है और उनकी देखरेख में पार्टी में कई नए चेहरे भी जुड़ते जा रहे हैं और पार्टी का कद लगातार बढ़ता जा रहा है। अब ऐसे में हमने आज के इस सर्वे में पब्लिक से ये सवाल किया कि दुष्यंत की सरपरस्ती में जेजेपी लगातार आगे बढ़ रही है, जमकर लोकसभा का प्रचार भी कर रही है, तो क्या दुष्यंत पार्टी का अच्छा नेतृत्व कर रहे हैं? इस मुद्दे पर क्या सोचती है हरियाणा की जनता, देखते हैं जनता की राय। बहुत अच्छे से नेतृत्व कर रहे हैं, एक अच्छी सूझबूझ का युवा है, बल्कि उनका सांसद का जो 5 साल का पीरियड रहा है उसमें काफ़ी उन्होंने अपने जो अपने लेवल से बढ़ कर के भी मुद्दे उठाए हैं संसद के अंदर, और एक अच्छा सशक्त नेता है आज के समय में। हरियाणा की राजनीति में सांसद दुष्यंत सिंह चौटाला का एक अहम रोल है। वो एक शिक्षित हैं, युवा हैं, पढ़े लिखे हैं और योग्य भी हैं। वो क्षेत्र या प्रदेश की जनता की जो समस्याएं हैं उनसे वो रूबरू होते रहते हैं, समय समय पर लोगों के बीच में जा रहे हैं और उन समस्याओं को पहले वो सांसद रहते हुए उन समस्याओं को सदन में उठाया भी है और उनका हल करवाने का काम भी किया है। और ये हरियाणा के राजनीति के एक उभरते हुए सितारे हैं जो कि अगर ये सत्ता में आ जाते हैं तो हरियाणा को विकास के क्षेत्र में बहुत आगे लेकर के जाएंगे।
बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे हैं जी। जैसे ही इनेलो में पीछे था नहीं, उसे बढ़ चढ़ कर इसका नेतृत्व बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे हैं और ये आगे निरंतर बढ़ता ही रहेगा। जैसे आपने देखा होगा जींद का विधानसभा का बाई इलेक्शन में बहुत अच्छे मतों की वह हुई है। दुष्यंत चौटाला इसका निरंतर ये बहुत ही अच्छे नेतृत्व कर रहे हैं। पुराने INLD से भी अच्छा नेतृत्व दुष्यंत चौटाला इसका कर रहे हैं और इसका नतीजा जींद बाई इलेक्शन में आपको देखने को मिल ही गया कि जननायक जनता पार्टी का गठन हुआ, दुष्यंत चौटाला उसका नेतृत्व कर रहे हैं, लोगों की उम्मीद से भी सवाए तरीके से नेतृत्व कर रहे हैं और इस किसी भी राजनीतिक पार्टी का नेतृत्व करने में और प्रदेश का शासन चलाने में दुष्यंत चौटाला पूर्ण रूप से सक्षम है। दुष्यंत चौटाला अभी ठीक नहीं कर पा रहे हैं, वो एकजुट पार्टी को नहीं कर पाए हैं, जो दो भागों में बट गई है नेलो और JJP, उनको अभी पूरी तरह वो उनमें नहीं हो पाई है, इसलिए मैं नहीं कहूँगा कि अभी वो पूरी तरह उसमें तो देखो ये देवीलाल की खून से सींची हुई पार्टी थी और बड़ा अच्छा इनका सिस्टम था। JJP वाला ये दुष्यंत ने सारा सिस्टम जो है ना वो ख़राब कर दिया, क्योंकि अब स्थिति ये आ गई कि जो इन लोगों का वोट था परंपरागत वोट वो सारा आप जहाँ रोहतक जाओगे, सोनीपत जाओगे, झज्जर जाओगे, सारा कांग्रेस की तरफ मुँह हो गया। आप अदर जाओगे वो कहीं BJP की तरफ रुझान कर रहा है, तो पार्टी लगभग जो है ना खत्म होने के कगार पे है। तो जनता की राय को भी हम आपको सुना रहे हैं और दो प्रकार के लोग हैं, एक वो लोग हैं जो ये मानते हैं कि दुष्यंत अच्छा नेतृत्व कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ वो लोग भी हैं जो ये मानते हैं कि शायद दुष्यंत चौटाला अच्छा नेतृत्व नहीं कर पा रहे हैं। तो चलिए अब इस बात को ही ले लेते हैं कि दुष्यंत चौटाला अच्छा नेतृत्व क्यों कर रहे हैं। अभी आपने खुद लोगों की जुबानी सुना, जिस प्रकार से लोगों का ये कहना है कि दुष्यंत चौटाला समय समय पर जनता के बीच जाकर जनता की समस्याओं को जानते हैं, ये एक नेता की बहुत बड़ी काबिलियत होती है और अक्सर इसी काबिलियत के लिए जनता अपने नेताओं को पसंद भी करती है और एक नेता के रूप में उन्हें जताती है या फिर एक नेता के रूप में उन्हें आगे बढ़ने का मौका भी देती है, क्योंकि आखिरकार जो आखिरी फैसला होता है वो जनता के हाथ में होता है। वहीं बात अगर उन लोगों की जाए जो ये कह रहे हैं कि दुष्यंत चौटाला अच्छा नेतृत्व नहीं कर रहे हैं, तो उनका मानना है कि जब इनेलो से टूटकर पार्टी JJP बनी तो इनेलो का जो परंपरागत वोट था वो JJP में ट्रांसफर हो गया और जो जगहें इनेलो का गढ़ मानी जाती थी वहां पर अब इनेलो के लिए दिक्कतों का सामना इनेलो को करना पड़ सकता है। तो ये अलग अलग कारण हैं जिनके प्रभाव में आकर जनता आकलन कर रही है। खैर, जो फैसला है जनता का वो जनता को ही करना है, जिसका 23 मई को रिजल्ट आएगा। लेकिन इस सर्वे में हम जान रहे हैं कि सांसद दुष्यंत चौटाला किस प्रकार से अच्छा नेतृत्व कर रहे हैं, लोग इस पर क्या कहते हैं और जो लोग ये इस बात को नहीं मानते हैं तो उनके क्या कुछ कारण है, आइए जानते हैं जनता की राय। बिल्कुल सक्षम है जी, नेतृत्व करके दिखाया है। इतनी छोटी उम्र में कोई नई पार्टी बनाकर उसे इस मुकाम तक पहुंचाना कि यहाँ बड़ी बड़ी पार्टियों को फाइट दे रही है जो पार्टी, इसलिए इनके नेतृत्व की अक्षमता इनमें है। तो ये इस पार्टी को बने हुए 3-5 महीने और इतने दिनों में वो पार्टी को कहाँ से कहाँ लेकर गए और आपने ये जींद उपचुनाव में भी देख लिया। तो दुष्यंत चौटाला आने वाला भविष्य इस हरियाणा का तो दुष्यंत चौटाला है और दुष्यंत चौटाला पर ही हरियाणा क्या पूरा देश दुष्यंत चौटाला पर नजरें गड़ाए हुए है। नेतृत्व अच्छे से कर पा रहे हैं, बहुत ही समझदार है, युवा नेता है और आगे तक जाएंगे, ये बहुत ही आगे तक जाएंगे। दुष्यंत चौटाला जी के बारे में कहा जाए तो एक बहुत ही युवा और अच्छे सांसद चुने गए थे वो हमारे 2014 में। देखिए हमारे भाई अभी नए हैं, पार्टी नहीं है उनकी और जैसे जैसे वो आगे वर्क करते चले जाएंगे उनको रिस्पॉन्स भी अच्छा मिलेगा और वो मेरे ख्याल से क्योंकि एक राजनीतिक फैमिली से वो बिलोंग करते हैं और जिस तरह से वो अपना काम करते चले जा रहे हैं आगे प्रगति की राह उनके लिए खुली है। अभी वो अच्छे तरीके से नेतृत्व नहीं कर पा क्योंकि इस चीज़ के लिए अनुभव होना बहुत जरूरी है। अभी उनकी एज बहुत छोटी है, उन्होंने इस तरह का कोई भी काम नहीं किया। सांसद तो वो बने हैं लेकिन उस तरह से नहीं बने जो उनको करना चाहिए। ये जो दुष्यंत चौटाला है ये एक युवा नया चेहरा है और जो नया युवा चेहरा होता है वो नेतृत्व नहीं कर सकता, क्योंकि कोई भी नेतृत्व करने के लिए उसका एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है।
तो दुष्यंत चौटाला का नेतृत्व अच्छा है या बुरा है, जनता इसका आकलन साफ तौर पर दुष्यंत चौटाला की उम्र से कर रही है। जो लोग ये मानते हैं, या यूं कह लीजिए कि जो वर्ग ये मानता है कि दुष्यंत चौटाला अच्छा नेतृत्व कर रहे हैं, उनके लिए सबसे बड़ा कारण उनकी उम्र भी बना है। यानी कि उनका ये कहना है, उनका ये मानना है कि कोई भी नेता इतनी कम उम्र में संसद तक पहुंचता है, उसके बाद अपनी एक पार्टी बनाता है और पार्टी को ये नाम दिलाता है कि आज उसका बोलबाला हरियाणा में किस कदर है, वो आप सभी जानते हैं। तो दूसरी तरफ उम्र ही वही चीज है जो दुष्यंत चौटाला के पक्ष में नहीं है। जो ये कहते हैं कि दुष्यंत चौटाला शायद इतना अच्छा नेतृत्व नहीं कर रहे हैं, उनका यह कहना है कि जिस प्रकार से सांसद दुष्यंत चौटाला की जो उम्र है, शायद वो अनुभव में कम है। तो ये दो कारण यहां पर निकल कर आ रहे हैं और इन दो कारणों की जो कड़ी जुड़ रही है वो जुड़ रही है उम्र से। अगर बात बीजेपी की जाए या फिर सांसद दुष्यंत चौटाला की जाए, तो जींद उपचुनाव का जिक्र करना हम नहीं भूल सकते हैं। जींद उपचुनाव जेजेपी के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। इनेलो से टूटकर जब जेजेपी पार्टी बनी, तो उस समय बहुत कम लोग थे ऐसे जो शायद ये समझ सकते थे कि जेजेपी इतना अच्छा कुछ ही महीनों में शायद अपना प्रदर्शन हरियाणा की राजनीति में कर पाए। और इसीलिए जिस प्रकार से सांसद दुष्यंत चौटाला ने जनता के बीच में जाकर आह्वान किया, जनता के बीच में जाकर जनता को अपने साथ किया, ये दर्शाता है कि जींद उपचुनाव में दुष्यंत चौटाला की जो पार्टी है यानी कि जेजेपी है, उसने कितने मत हासिल किए। चलिए जानते हैं जनता की राय। नेतृत्व है वो कुशल पूर्ण है, क्योंकि वो 36 बिरादरी को साथ लेके चलते हैं, बड़ों को इज्जत देते हैं, युवाओं को गले लगाते हैं और जो बीच के होते हैं उनको उनका पूरा मान सम्मान देते हैं। दुष्यंत चौटाला कुशल नेतृत्व करते हैं, वो हर वर्ग का साथ लेकर चलने में माहिर हैं, वो युवाओं का ख्याल रखते हैं, महिलाओं का ख्याल रखते हैं, बेरोजगारी को दूर करने की क्षमता है उनमें, मतलब हर बिरादरी को हर वर्ग को साथ लेकर चलने में सक्षम है। दुष्यंत चौटाला बहुत बढ़िया नेता है और अपनी पार्टी को अच्छे तरीके से सेट कर रहा है और ये भविष्य में का बहुत बड़ा लीडर बनने जा रहा है। क्या मानना है, और क्योंकि दुष्यंत चौटाला के अंदर जो हमारा हरियाणा है वो चौधरी देवीलाल की परछाई दिखता है और दुष्यंत चौटाला के कारण ही आज जेजेपी का अस्तित्व खड़ा हुआ है। इसीलिए मैं मानता हूँ कि दुष्यंत चौटाला जी बखूबी से इस पार्टी को आगे ले जाएंगे और उसको अच्छे तरीके से निभा पा रहे हैं। बात दुष्यंत चौटाला की है तो उनमें नेतृत्व क्षमता नहीं है, परिवार अपने निजी स्वार्थों के कारण टूट चुका है और जनता उन्हें नकार चुकी है। ना तो दुष्यंत चौटाला और माया चौटाला दोनों ही किसी नहीं। तो आप जनता की राय को भी सुन रहे हैं और समझ भी रहे हैं। बात कर रहे हैं सांसद दुष्यंत चौटाला की, क्या कहते हैं लोग उनके बारे में। जेजेपी पार्टी का नेतृत्व सांसद दुष्यंत चौटाला सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्या कारण है जो लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि सांसद दुष्यंत चौटाला हरियाणा की राजनीति में अपना दबदबा बनाने की दिशा की ओर बढ़ रहे हैं, या फिर क्या वो कारण है जिसके कारण जनता ये सोचती है कि शायद अभी सांसद दुष्यंत चौटाला उस काबिल नहीं कि वो उस जगह पर पहुंच पाए जिस जगह की जेजेपी दावा कर रही है या फिर सांसद दुष्यंत चौटाला दावा कर रहे हैं। आइए जानते हैं खुद जनता की जुबानी। नेतृत्व तो बहुत अच्छा है, लोग साथ हैं उनके, नेतृत्व कर रहे हैं, काम भी अच्छा है। इनसे पहले जो इनकी ओम प्रकाश चौटाला की तो कह नहीं सकते, लेकिन जो पहले इनके दादाजी थे उनकी बहुत अच्छी छवि थी हमारे लिए। तो चौड़ा जो है बहुत अच्छा नेतृत्व कर रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, एमपी रहे हैं, हर जगह काम करवाया उन्होंने और बहुत बढ़िया मैनेजमेंट है उनकी। उनसे बढ़िया मैनेजमेंट मैं तो मानता नहीं हूँ किसी की है, अच्छी है उनकी, बहुत बढ़िया मैनेजमेंट। दुष्यंत चौटाला आज संगठन खड़ा करने में सबसे आगे हैं। 6 महीने में उन्होंने ऐसा संगठन खड़ा किया है जो कि पार्टियां जो 50 साल से चली आ रही हैं उनका भी संगठन नहीं खड़ा हुआ और उन्हें इतनी लोकप्रियता हासिल की है कि हर गाँव गली कूचे में आज दुष्यंत का ही नाम है। अच्छे नेतृत्व है। उनके नेतृत्व में हरियाणा में आने वाली जेजेपी की ही सरकार बने। ये बहुत सफल है और बहुत अच्छा लड़का है। सारी आते चौधरी देवीलाल जी पे हैं, इसकी सारी नेचर है, सबको साथ लेकर चलता है, जितनी इसकी तारीफ की जाए उतनी कम। अच्छा नेतृत्व करे, बहुत अच्छा नेतृत्व है, सबको साथ लेके, 36 जात को साथ लेके कोई भेदभाव नहीं, सबके काम करने को तैयार है। बहुत बढ़िया है जी, और ये ना सारी पब्लिक ने उनको एवरी और आगाह आना चाहिए कि सीएम बनागा और वाला इसलिए
लोकसभा से चंद्रदो बड़ी मोटर से आपके पहले ये जो थे दुष्यंत जी, ये इंडियन नेशनल लोकदल के अंदर ही थे, तो उसके बाद इन्होंने अपनी अलग से जो पार्टी बनाई है उसके अंदर तो ये अब नीचे ही नीचे ग्राफ जा रहा है इनका। और इनके जो पिताजी हैं पैरोल पे आए हुए हैं, तो उसका भी जो नेतृत्व है वो अब वो बात नहीं रही जो इंडियन नेशनल लोकदल में हुआ करती थी। तो आपने खुद देखा भी और सुना भी कि जनता इस बारे में क्या सोचती है। तो चलिए अब नजर डालते हैं पब्लिक सब जानती है कि आज के नतीजों पर। जी हाँ, आज के नतीजे क्या कहते हैं। 81% वो जनता है जो ये मानती है कि दुष्यंत चौटाला जेजेपी का अच्छा नेतृत्व कर रहे हैं। वहीं 19% लोग वो हैं जो इसका जवाब ना में देते हैं। तो आपके सामने है आज का सर्वे क्या कहता है। दुष्यंत चौटाला अच्छा नेतृत्व जेजेपी का कर रहे हैं, 81% वो लोग हैं जो इसका जवाब हाँ में देते हैं। वहीं 19% लोग वो हैं जो इसका जवाब ना में देते हैं, और 0% आज वो लोग हैं जिन्हें इस जवाब के बारे में पता नहीं। यानी कि कोई ऐसा नहीं है जो ये कहता है कि उन्हें पता नहीं कि क्या दुष्यंत चौटाला अच्छा नेतृत्व कर रहे हैं या फिर नहीं। लेकिन 81% एक बड़ा आंकड़ा है। 81% जनता ये मानती है कि दुष्यंत चौटाला जेजेपी का अच्छा नेतृत्व कर रहे हैं। वहीं 19% जनसंख्या वो है जो ये मानती है कि दुष्यंत चौटाला जेजेपी का अच्छा नेतृत्व नहीं कर रहे हैं। तो आज के क्या नतीजे हैं वो आपकी टीवी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं और आप समझ भी सकते हैं। हालांकि ये नतीजे उन बयानों के आधार पर हैं या उन प्रतिक्रियाओं के आधार पर हैं जो अभी हमने आपको सुनाई है, लोगों के खुद मुंह जुबानी, जहां पर लोग 81% ये मानते हैं कि दुष्यंत चौटाला जेजेपी का अच्छा नेतृत्व कर रहे हैं। तो वहीं 19% लोग ये मानते हैं कि दुष्यंत चौटाला अच्छा नेतृत्व जेजेपी का नहीं कर पा रहे हैं। तो आज के पब्लिक सब जानती है कि सर्वे में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए खबरें अभी तक के साथ। जय हिंद।